अज मई मिन योमे अदावत हिम इला योमित्थी अरबिशरहली सदरी वयसरली आमरी वहलो लुकदतमिल लसानी यफकहू कौली नाउदयालियम अजहरल तजीदु हो आउनन लका फिन नवाहिब कुल्लो हम्मिन वगम्मिन सयन जरी बेअलियन 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 बेअली सलावा दरूद पढ़ें मिलके बुलंद आवाज चश्मा है दुआ है परवरदिगार आलम बानियानी मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाएं इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन ना जाए इमाम हुसैन सरकार अजादारों की हिफाजत फरमाएं बावन अजहर शाह डॉक्टर साहब बावन नासिर शाह वो सारे अहबाब नाम बनाम किस किस का मैं नाम लूँ सारी कच्ची बानियान में शरीक है मालकिन सब की नौकरियाँ कबूल फरमाएं दामे दिरमे सुखने पिछले नौ दिनों में जिसने जितना तावन फरमाया बरसर मिंबर में उनका शुक्रगुजार हूँ मालिक आपको इज्जत अता फरमाए इमाम हुसैन बादशाह का एक जाकिर एक अजीज फ़खर जिसके लिए रोज़ दुआ करते हैं जिक्र मज़लूम का सदका मौला उसे शिफाए पुलिया आली मरतबत क़िबला काबा सरकारी अल्लामा मोहम्मद अब्बास कुमी साहब हॉस्पिटलाइज हैं लाहौर कार्डियालोजी में हैं उनका ऑपरेशन कल होना था लेकिन नहीं हो सका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था उनका मौला उन्हें शिफाए कुलिया था बाबा जुकी शाह से लेकर आखिरी मातमी तक जाफ़र भाईजान का शुक्रगुजार हूँ भलवाल से पूरी मातमी संगत उनके साथ तशरीफ़ फरमाए मालिक उन्हें इज्जतें दे एक मातमी बच्चे के लिए मुझे दुआ का कहा गया है उसकी तबीयत नासाज है मौला उसे शिफाए कुलिया था भाई मुमताज़ और वह सारे अहबाब जो मजलिस हुसैन में शरीक हैं बाबर अज़ीज़ मेरा और उसके सारे अहबाब मालिक सबको इज़्ज़त अता फरमाए मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता इन में से कोई खाली वापस नहीं हो सके तो ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह नौ बाबा इकबाल शाह जी का भांजा बीमार है मौला शिफाए कुली अता फरमाए सादिक भाई के चाचा जी बीमार हैं मालिक शिफाए कुली अता फरमाए भाई मुख्तार जिन दुआओं के लिए मुझे कह रहे हैं मौला दुआएं कबूल फरमाए ज़रूर आमीन आख अदा मेहरबानी करे सो ज़रूर भाजन आमीन आखसो बादशाह हुसैन के मातमी आज 9 और 10 मुहर्रम सारा दिन सारी रात स्पेशली कराची में हंगू में सवात में पारा चनार में पेवाड़ में खैरपुर सिंध में सूरत हाल थोड़ी सी परेशान को नहे बादशाह हुसैन अपने मातमियों की हिफाजत हुसैन सफ़ी के सुन्नी शिया नौकर जो अजादारी कर रहे हैं दोनों घर सलामत रहें मेरे अल्लाह नासिर शाह जी से ले आखिरी मातमी तक ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता इन में से कोई खाली वापस न जाए मेरे मालिक के जिक्र की इज्जत का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए दरूद मिलके पढ़ दें बुलंद आवाज हाजिर जी हे इजाजत नौकरी शुरू करूं गाजी ने पैगाम दिया के ये एक बूंद भी पानी की या फिर भाई इतने दिनों बाद आए हो मैं आपका रास्ता देख रहा था क्योंकि शाह की मेहरबानी है आपको ले आए आप ना नाम है हाँ डॉक्टर साहब दुआ वास्ते दुआ दी अपील है मुमताज़ फिरा कमालिए तो सुनी मैं को झांकी सुनी मैं को लाहौर सारी जिंदगी सुनी मैं को आज अपने घर सुन तेरे घर वाली मेरे डारी मुका सटन कच्छी वाले मैं को इंज सुने ना मेरे अंदर दिलारी मौके गाजी ने पैगाम दिया ये एक बूंद भी पानी की पीनी कब है बस दरिया में आनी जानी ठानी है
शाबाश हजी ओ लैया ले आऊं हजी ओ पी रहा हूं खबर जी मेरे बछड़ा जी राजी सारे ने साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका टाइम निकाला आपने मलिक साहब जी वो पे गाजी ने पैगाम दिया के ये एक बूंद भी पानी की पीनी कब है बस दरिया में पीनी कब है मुख्तार पीर नम आए गली पीनी कब है हलामे ना मेहरबानी करें पीनी कब है बस दरिया में आनी जानी ठानी है ये मंजर भी हश्र की सब तक भूल न पाए ये मंजर भी हश्र की सब तक शायद दुनिया भूल सके घाट के अंदर शेर खड़ा है पानी 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 सदके सदके हरी कच्छी को सलाम भाई जाकर बजरा जात भी खा लिए आ लगा अपनी जात है अपनी सीट से आवन अपनी सीट से मन बहु अल्लाह अकबर जादे में भाई जादे में मेरे पुत्र को हाय दरी आओ हसन गिरे लगा गए मेहरबानी बेटा मेहरबानी बेटा आओ आओ बागली खान आओ बेटा थोड़ा सा जगह थोड़ा सा बस इतनी सी जगह काफी ये मन जी हुकुम जी भाई मुख्तार हुकुम ये मंजर भी हश्र की सब तक शायद दुनिया भूल सके घाट के अंदर शेर खड़ा है अदा जी वो भैया जी ये मंजर भी हश्र की सब तक शायद दुनिया आओ आओ जल्दी जल्दी ये थोड़ा सा आप आगे आए थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा भाग अली खान ये मंजर भी हश्र की सब तक शायद दुनिया भूल सके घाट के अंदर शेर खड़ा है घाट के अंदर शेर खड़ा है पानी पानी मेहरबानी मेहरबानी एलियोखे इस्तेमाल ते दाद दा शुक्रिया मिसरे बार बार कढ़ेना बार बार पलटेना बार बार कढ़ेना ही को हलावना नहीं बचड़ा बार बार कढ़ेना बार बार पलटेना मिसरे ओखेन ते दिल डाठा थिया खड़े बंदिशे अमरे उलेल अमर में गरकाब भी है जी जी सलाम ही ने मेरे सलाम ही ने मैं के बंदिश है घर का आप जानते हो डूब जाना ये घर के आब है जिसे हम शराब कहते हैं वो सिर्रे आब है जिसे हम शराब कहते हैं वो शर्रे आब है शाबाश बाबा मेहरबानी अगर आगली खान बहुत शुक्रिया मैं खड़ा था बंदिशे अमरे उलेल अमर में घर काब भी है बंदिशे अमरे उलेल अमर में घर काब भी है मश्क खयाम में पहुंचाने को बेताब भी है अशल है गाजी दे घोड़े दा नाम बीच दरिया में भी पानी नहीं पीता अशल क्या वफादार है प्यासा भी है सैराब भी यार जुगी शाह सलाम भाई मुमताज जाफर हादसा हो मेरे बछड़े जवान बोलो गाजी दे नौकर बाबर अली हक हाथ उच्चे दा बंदिश जी बंदिश तुम्हारी क्या बात है बंदिश अमरे उलेल अमर में घर काब भी है मश खयाम में पहुंचाने को बेताब भी है
मश्क हयाम में पहुंचाने को बेताब भी है, बीच दरिया में भी पानी नहीं पीता अशल। क्या वफादार है, प्यासा भी है, मिस्त्रे दी फरमाइश ही तो कुलें दा खड़ा लप पेन। दस तरस में है इसी शेर की अखा पानी। थैंक यू चाचू, मेहरबानी बेटा, आप जियो। अखा कहते हैं हिंदी में सारे को, उर्दू जुबान से काफी नहीं मिला, मैंने हिंदी लुगत से सहारा लिया है। दस तरस में है इसी शेर की अखा पानी। पीर खलीक सिंह, दस तरस में है इसी शेर की, हाथ खोल मेरा बेटा, अखा पानी। शान से चश्मे आजादार में रखा पानी। पहले आका जी में यार धीरे पर्दे होनी, मौला कामयाबी दे बस यार। हाँ मेरा ठर गई हुसैन दी कसम है। दस तरस में है इसी शेर की अखा पानी, दस तरस में है मोहम्मद की तबीयत का फिना सादे आया है तहे, मौला को शिफाए कुली अता फरमावे। दस तरस में है इसी शेर की अखा पानी, शान से चश्मे आजादार में रखा पानी। अलकमा फरात अब कफे अफसोस मले जाती है, उसने दरिया में उतर कर भी न चखा। उताद फिरा क्योंकि शाही हर दाद घिनाने में कू बोलो ना सर पीर बोलो। एक मिनट खलो सकते हो ते नाराज ना थी वीदा एडी वाली दाद दे जवाब है चार में से पढ़ूं। बिना हुसैन के आप इरम नहीं पीते, बिना हुसैन के आप इरम नहीं पीते। अगर हो कौशर जम जम में जम नहीं पीते, कदम पकड़ के भी लहरें सलाम करती रही, कहा वफा के खुदा ने के हमने। मलिक नसीर हैदर अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे। तीन पास वाले हसन थोड़ा पे बुलंद तेरे पास हूँ। हचा 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 बिना हुसैन के आबे इरम नहीं पीते। अगर हो कौशर जम जम में जम नहीं पीते, कदम पकड़ के भी लहरें सलाम करती रहीं, कहा वफा के खुदा ने के हम। आशिकों पर तेरी एक नजर करम वफी है, इम्कान के आखिरी वारिस की बारगाह में, अदर सुल्तान मुमकिनात की बारगाह में, जिस बादशाह का होना ही हमारे होने की वजह है। लाओ लाल हुज्जत हो तसाखतल अर्जो पे आले हा, हुज्जत ना हो तो जमीन अपने ऊपर रहने वालों को निकल जाए। जिसके वजूद ऐसी जूद के सदके में कायनात है, उस बादशाह की बारगाह में एक मिन्नत कर रहा हूं, मिन्नत कर रहा हूं। बादशाह तशरीफ फरमा नहीं हो रहे, मैं गरीब घर का बंदा हूं, ज्यादा लिख पढ़ नहीं सका, ज्यादा मुताला नहीं, घर के हालात ऐसे थे ही नहीं कि पढ़ सकते, मैं ऐसे ही गुजारा अखबार वखबार पढ़ के करते रहे हैं। मैंने बादशाह के बारे में सुना यही है कि जब तक 313
सालार नहीं आएंगे, 313 की सिपाही फौजी पूरी नहीं होंगे, बादशाह तशरीफ नहीं लाएंगे, मेरी क्या औकात है मैं सुल्तान मुमकिनात से बात कर सकूं। लेकिन आज बड़े शहर में पूरी कच्ची का आसरा है, पूरी कच्ची अगर दुआ करे, मैं बादशाह से एक बात करना चाह रहा हूं, मालिक से कह रहा हूं, आशिकों पर तेरी एक नज़र करम वाफ़ी है, तेरे घर में तो फ़कत खाके शिफा शाफी है, 313 तेरा हुस्न करम है, वरना सिर्फ अब्बास को ले आ तो वही। सदके सदके बाबा सदके जी जी, आपके भाईजान क्या कहने, आप जियो हाथ उच्चे, हाय दरी करके बेको बेचा मैं टाइम नहीं था। 313 बचड़ा घड़ी तो उधारी ले, इवें 10-15-20 मिनट वास्ते घड़ी सट आया नाती जंग, तेरी दुआ दा सदका। शाबाश, वाह भाई वाह, ये नजाकत है तो जलालत क्या होती। अच्छा आग अली खान अद असा तो टाइम दसूँगा डाढ़े तू टाइम दसे ने हे जंदी ए तियाज दुनिया ते, हे जंदी ए तियाज दुनिया ते, ओ वडे दा अनाज दुनिया ते। अब इस माल में रहते हुए सराय की तो आप सुन ही लेते हो, हे जंदी एतियाज दुनिया ते, ओ वड़े दा अनाज दुनिया ते, अपनी बह नाल जेंदा हाथ कोई नहीं, उंदे हाथ दा हिराज दुनिया। आहा आहा पीर जीवो बेटा जानी, बेटा जानी जी 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 अदर जीवो, नारा तुरा पे सिंह भी अज मूड फजैल तक ही नहीं। अली दे लाल दे हाथ दा मुसलसल खौफ है शौकत, बंदे आके अब्बास वफाद ही वह तो मशहूर है, गाजी वफादार है तो वफा दे तू गाजी को एडा वड़ा ना मिले, मैं खड़ा दा बिल्कुल तेरी गलत फहमी है, अली दे लाल दे हथ दा मुसलसल खौफ है शौकत, यजीदियत जमाने ते बड़ी कमजोर बन गई है, वफा बनती वधी है ते मेरा गाजी मुअज्जज हा, सखी अब्बास दा सदका वफा दी तौर बन गई है। नौकर बोलो हाय दरी जी हसन जी, वो मेरे बचड़े थोड़ी क्या बात है, कदर दी मोहब्बत दा कास बनता है, क्या आखे बेटा मैं बोल, शाबाश जेड़े इस्लामाबाद में फिरा बैठे हो जी वो वसते रहो नहीं मौला शिफा देवी, मैं क्या पदर दी मोहब्बत दा हथ खोल, पदर दी मोहब्बत दा अकाश बन दे, तू सिपियां गुले दाए वो अलमास बन दे। पदर दी मोहब्बत दा अकाश बन दे, पदर दी मोहब्बत दा अकाश बन दे, तू सिपियां गुले दाए वो अलमास बन दे, तू यूसुफ दे वीरां दा डरिया होया है, भीरा चंगा होवे ता पास। पलाजी साहब
بڑا کمال ٹائم ہے مقبولیت دا. برادر بزرگ مصور غم عزت معاب شہنشاہ خطابت حاجی ناصر عباس نوتک صاحب اس وقت کربلا پاک موجود ہیں. آج انہاں بادشاہاں دے حرم وچ مجلس پڑھنی ہے تے ضرور دعا کرے سو اتھوں سارے واسطے دعا کرنے پین اسا اتھوں انہاں واسطے دعا کروں مولا انہاں کو شفا دے کے بھیجے. الہیہ الہیہ پدر دی محبت دا کاس بندا ہے تو سپیاں گلیندا ہے جی میں بچڑا وہ الماس بندا ہے تو یوسف دے ویراں دا ڈریا ہویا ہے. میں جدہ اج آیا آدھے میری او پر پچھلے سٹینڈ تے ملاقات تھی گئی ہے بابے نظر شاہ نال. بابے اٹھائی میں کو میرا منہ چومے بابے میں کو دعائیں کیتی ہیں بابے میں کو حکم کیتے ہیں. میں آیا بیٹھا میں کو حکم تھے میں ایتھا آیا میں کو حکم تھے این پاس ایک عزیز اٹھے ہوں میں کو حکم کیتے میں خطبہ سنا. تھکے ڈاڑھے ہوئے ہیں رلو تا پڑھوں میں نوکر ہاں 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کر چلا خیام حسینی کی طرف. سخی حسین کی نگاہیں پڑی 10 لاکھ کا لشکر آتے دیکھا وفا کے پروردگار کو آواز دی عباس قریب آئے بلا تشبیہ غازی کا منہ چوم کے حسین فرماتے ہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا عصمتوں کے ولی میرا ہی کام کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دربار لیاقت میں خطبہ پڑھی حیدرآباد دکن میرے سامنے 2.25 لاکھ بندہ آئی کم از کم 3 کلومیٹر تے پارکیں گئی جب میں انڈیا خطبہ پڑھے تے 1.25 لاکھ بندہ اندے رہی تے 1.25 لاکھ بندہ بہ رہی. اے پوزیشن یوں پنڈال دی تے جڑی داد دیو میری زندگی دا سرمایہ ہے تے میں سر دے والا تو پیرا تائیں تہاڈا شکر گزار کھڑا تو سا میری توقعات تو 1000 گنا وڈی داد لیتیاں تے اج نظر انداز نہ کرے ایویں 10-12 منٹ میں بھی فضائل پڑھنے میری محنت ضائع نہ کرے. حسین فرمایا تاجدار وفا میری ماں کی دعا عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے یخی میرا ایک کام. جیویں جوگی جیویں ہاں اے ماتمی بچڑے جیویں انہاں سیداں کو سلام ہے یار. میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے یخی میرا ایک کام کر مرتضیٰ کی شبیہ شیر بھائی جان پچھائی میں آ گئے ہو اٹھاؤ میرے کو دعا کریں درو ہے مرتضیٰ کی شبیہ تائیں سوچنے کون پیاد ہے کیکو پیاد ہے تے کیا پیاد ہے. مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی شیر شیر جلی مولا اس ماتمی کو شفا دے مولا اس ماتمی کو شفا دے. جیو سنگت آ لے ہوں مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی شیر شیر جلی میرا ایک کام کر میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میں. ہاتھ کھولی ہاتھ کھولی ہاتھ کھولی غازی دے نوکر ہاتھ چوائے حیدری. میں محمد ہوں اس وقت محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا ایک کام کر. فرمیدن میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے تیری جرات تو سب پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دے.
मौला दुआएं कबूल करने, मौला इस तरह हमने फरमाया अब्बास, दुनिया ने बहादुर अब्बास को सिफीन में देखा था, आज मेरा दिल है दुनिया आलिम अब्बास को देखे। गाजी ने कहा मौला हुक्म क्या करूं? हुसैन फरमाया बन के वारे सलूनी के मिंबर का तू कर जरा गुफ्तगू लश्कर शाम से। डॉक्टर साहब मेरी मजबूरी है, मैं पढ़ना ही मिंबर थे। हुसैन आखा है मैदान इच, बादशाह फरमाया पीर खलीक्षा मैदान इच, क्योंकि पीर मैं तर्जमा करके करना ही मिंबर थे, मैं इवें बाईपास थियाँ, इवें मोटरवे ते चढ़ गया, तर्जमे का हक मेरे को अदा नहीं थिया या मैं नहीं किया, मेरी मजबूरी है। जड़ी गल हुसैन की है जिते कुछ समझ आवे तो वाजे भी बोली, नहीं तो मैं राजी पे ना। हुसैन फरमाए बन के वारे सलूनी के मिंबर का तू कर जरा गुफ्तगू लश्कर शाम से, ये है नाशना अपने आगाज से। हैदरी हाँ मुख्तार जा हूँ जे मेरे को तर्जमा कच्छी मंगती है तो बात कोई चास नहीं, इन्हें को पता ही नहीं मैं जम की मैं पे। ये है ना आशना अपने आगाज से, पिता जा थकी ना, ये है ना आशना अपने आगाज से, बेखबर हैं सभी अपने अंजाम से, ये समझते हैं कि जीत जाएंगे, ये जाके पर्दा उठा इनके इबहाम से, जा ने जाके समझा के तकदीर भी कांप जाती है शब्बीर के नाम, जा ने जाके बचड़े जड़े बहर बैठे हो जड़े गाजी दे सगमे ना करो जड़े गाजी दे नौकर सनी दे हो, जा ने जाके समझा के तकदीर भी काम जाती है शब्बीर के नाम से, सज्जे खब्बे अग्गा पिछा भाई नसीर तू घन के गुलाजी साहब की तू घन के बाबे नजर शाह तू घन के हर पास हुई हिक्का आवाज ना से था, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, शानी शाह दाद अंदाज है। हुसैन फरमाया अब्बास बोल ऐसे कि खालिक को कहना पड़े, जात हैदर के अक्कास क्या बात है, आज नहजुल बलागा का खालिक कहे वह मेरे लाल अब्बास का। हाथ तले मुकदर ही कहीं भाई उनको पता ही नहीं महिला क्या होती है। ये बात सुना दे कहीं को नारा है हैदरिया की, सारी करीम ही नहीं बह गई है ना। हैदरी थक गए वो तो बस करूं, पंज तन की मदद सुन के इतने समद लेके दामन में एक बेनियादी चला। आहा सादिक दुआई कबूल होनी, चाचे दी खैर होवी, सदके सदके सदके, पंज तन की मदद सुन के इसने समद लेके दामन में एक बेनियाजी चला। मदद करे से मैं जो कराची बताऊँ, मैं लंदन ही बताऊँ तो मैं को दाद देनी भी, अबू आज क्या मिसरा पड़ी, इधर मेरे सामने बैठी मिसरे दी दाद तले, आज तेगे दहन से अली का पिसर मुनकेरों की उलटने को बाजी चला। हे कोई ना तेगे दहन दी दाद दे यार मुख्तार पीर, और सलाम ही शाला हाथ उचारा भी, और किस जन्नत में ले आया नजर शाह मुझे, किस नजफ में ले आया सैयद मुझे, आज ते गए दहन से अली का पिसर मुनकरों की उलटने को बाजी चला। सर पे जिल्ले खुदा ठोकरों में कजा, सर पे जिल्ले खुदा ठोकरों में कजा, किस अदा से मुकद्दस नमाजी चला, मुर्तजा से मोहम्मद को कहना पड़ा या अली आप खुद हैं के गाजी। हाय 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 शाबाश शाबाश, अब जीवे जीवे बाबे दी खैर हुई। क्या बात क्या क्या नहीं
ये मांगी हुई घड़ी, मुर्तजा से मोहम्मद को कहना पड़ा घड़ी वाले थे हाँ ला गती वलेना वलेना केंदी घड़ी है लेना बेटा हूने मुर्तजा से ना ना मुर्तजा से मोहम्मद को कहना पड़ा या अली आप खुद हैं कि गाजी चला इस रंग में अब्बास चला हाथ रख मुंह थे तेरा हाथ हट गया था मैं पड़सा नहीं था मैं हट गया। मलकुल मौत ने किबरिया से कहा बन के तेरे कहर की मिसाल आ गया कब्जे अरवाह मेरे तो बस में नहीं कर अली के अली को जला जियो कच्छी जियो कच्छी जियो बड़ा शहर जियो लिया जियो बखर जियो करोड़ दवार ले आकत जीवो मुमताज जीवो सारे हैदरी। मलकुल मौत ने किबरिया से कहा बन के तेरे कहर की मिसाल आ गया कब्ज़े अरवाह मेरे तो बस में नहीं गर अली के अली को। अशल पे सवार हुए अब्बास चार कदम गाजी का घोड़ा गया होगा दाएं बाएं आहट महसूस की पलट के देखा दाएं अकबर बाएं कासिम और मैं अकबर कासिम खैरियत कहाँ जा रहे हो। अकबर आहिस्ता से कहते चचा सामने 10 लाख है आप अकेले हैं। अब्बास मुस्कुरा के फरमाते इत्मीनान से वापस चले जाओ ये तो 10 लाख है सुबह अजल से शाम अबद तक अल्लाह की सारी मखलूक हुसैन के मुनकर हो जाए और हुसैन मुझे सिर्फ आँख से लड़ने की इजाज़त है। और एक खेड़ तो तेरे अकीदे दिए कि तेरे अकीदे को जंग लगा हुआ था मैं क्या करने हाँ ये तो तेरे अकीदे की खेल है ये तेरा दिल मन तेरा अकीदा मने जी बचड़ा अगर जीवो जीवो इधर अब्बास चले उधर अपने साथ ने जासूस भेजा जा देख क्या कौन आ रहा है। लम्हों बाद जासूस वापस आया उसने कहा पुश दिलो अब कजा की तैयारी करो आने वाला हुसैनी अलमदार है। जाफर शाह 9 दिन के बाद संगत लेके आयो तो एक तोहफा ले जाओ तोहफा देने लगा हूँ आपकी संगत को 36 सफ़े एक किताब के मैं आधे मिसरे में पढ़ने लगूँ और मैं इस उर्दू सुनने वाली संगत से यकीन रखता हूँ मुझे इसकी कीमत वो मिलेगी जो मेरी बनती है। उसने कहा पूछते लो आप कदा की तैयारी करो आने वाला हुसैनी अलमदार है 2 जरी खानदानों का संगम है ये एक पंद ताएं आप करने लवार अदा साहब जी 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 पंद मैं नहीं करना ये कुछ समझ आई है वो जरूर हाजी बोले 2 जड़े बैर खड़े हो जीवो 2 जरी खानदानों का संगम है ये इसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है मौत को इसके साए से लगता है डर इसकी तलवार का वार हम यानी क्या हुआ छेड़ता भी है छोड़ता भी है इसकी तलवार का वार हम वार है दब दबा रोब और तमकनत फिर सकूं अपनी हर एक अदा से ये करार है। गाजी को देखा नहीं सिर्फ नक्शा सुना सिर्फ हुलिया सुना सिर्फ आने का अंदाज सुना सब सरों पे सहाबे कदा छा गया सब सरों पे सहाबे कदा छा गया सब ये समझे के कहरे जली आ गया जो थे बूढ़े जवानों से कहने लगे हम गलत हैं कि सच मुच जड़े दर्द बैठे हो खाली ना मजाए जड़े बैर खड़े हो हाथ चवाए एक नारा बैरू लावे कोई मातमी मेरा तेल बैरू बैरू हाय दरी पानी दे बेटा Allah
सचमुच अली आ गए। डॉक्टर साजु सैन शाह साहब किबला ने 50,000 रुपये न्याज पेश की है, अल्लाह उन्हें इज्जत सलामत रहें, अल्लाह उनके घर की खैर करे, गाजी उन्हें और इज्जतें अता फरमाए। 10 लाख के इतने करीब आ गया अली का अकेला बेटा, अली का निहत्ता बेटा, अली का अली बेटा, अली का शेर बेटा, इब्ने साद के घोड़े के कान से अब्बास के घोड़े के कान जा मिले। अब हालत क्या है, 10 लाख का सर झुका हुआ है, गाजी का सर उठा हुआ है, 10 लाख की आंखों में बेचैनी है, अब्बास की आंखों में सुकून है, 10 लाख के चेहरे पे वहशत है, अब्बास के चेहरे पे हैबत है, 10 लाख घबरा रहा है, अब्बास मुस्कुरा रहा है। या अली, 10 लाख की आंखों में आंखें डाल के अली का शेर बेटा फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अहलश शाम वयाओ कतीबत तुगत वल्लयाम वया कतीयत लगनाम माहद अलिस्तिहाम वलल किराम वजवि शर्फ वल मकाम आमा उतारिफून आब अब्दिल्ला अलैह सलाम मन सम्माहु जलील वनागाहु जिब्राईल वहर्रा कमाद वसराफील वस्तश्फावे महदी सरसईल वहुव फरहुल वसीले मिन शजरत तय्यबत लासील मन कान मश्यू अला जसद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अक्सर में मशेर अल-अर्ज फवल्लाहि अल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु वलो राय तुम्हारा लबगे तुम अक्सर में मजहक तुम बात तुम मस्जिद में मतरे तुम अकुमला तो रसूल अल्लाह किबला तो ममोज हो कुमला तो ही ताम तो ले सियूफ कम या अय्या तो हल पकला तो खबीसा तो ना पेता तो अला तिमन अमा उतारे फूना अन लजी वादर अल हुसैन बादा। सलाह की आंख में आंख डाल के जो पहली बात की अब्बास ने, मेरी आंख में जो गाजी का नौकर हुआ और वह न बोला मैं कब्र तक उस पर अरमान करूंगा। चुर्रत दी हद वेखी नासिर शाह 10 लाख की आंख में आंख डाल के अली का अकेला बेटा फरमाता है बद चलन बेअदब ला नसब शामी हो। पीरा थक गई नजर शाह असा मलंगा को छेड़ के थक गई यार। बद चलन बेअदब लान सब शामियो, ये हुजूम है बगावत यहाँ किस लिए, तुम हो हैवान सीरत गिरो दर गिरो मुंह उठाए चले हो वहां। पैर पीर जी में पुत्रां दे शार होंगी, तुम हो हैवान सीरत गिरो दर गिरो मुंह उठाए चले हो वहां किस लिए, जुल्करम जी शरफ खानदान के लिए है ये जुल्मत भरा कारवां किस लिए, क्यों ये लश्कर बना तुम भला हो भी क्या, तुम भला हो भी क्या ना लखे गाजिया दे तुम भला हो भी क्या, जाहिलो आ गए हो कहाँ किस लिए, जाहिलो आ गए हो कहाँ किस लिए। फरमेदन सरकशी करने वालों सुनो गौर से, ये वली अपने अल्लाह का भी आन है, जिसकी चौखट पे गाजी गुलामी करे तुम नहीं जानते हो के वो कौन। सदके 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 थकीना जाफर थकीना जीदवार जीदवार, जिसकी चौखट पे लबैक या हुसैन 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 हैदरी, जिसकी चौखट पे गाजी गुलाम सच्ची मुच्ची घड़ी पिछं करके दीती है। ए मैं गौर ही होने कित है हाँ वलागन चागन चागन ए मैं जी ठीक गौर ना होने बारह पांच हाँ वो 11-35 की थी वैसे मैं आके मैं पढ़ दे खड़ा या कहीं ना वाह मुलेर वाह बड़ा मुक्के भाई
अजा तो नजाकत तक वाह खानी उनके पिछावे दर पै गए। सरकशी करने वालों सुनो गौर से, ये वली अपने अल्लाह का भी आन है, बस जिसकी चौखट पे गाजी गुलामी करे। खुतबा दे रहे बास या 10 लाख में से किसी ने कहा चला जा, नहीं तो मारा जाएगा। मारा जाए का लफ्ज आया, जमाल के रुख पे जलाल आ गया, गुलाब सीरत का चेहरा गुलाब सूरत हो गया। उसके गरेबान पे हाथ डाल के उसे घोड़े से उठाया, उठा के हवा में लहराया, लहरा के फरमाते हैं 10 लाख फौजी खड़े हुए, 20 लाख आंखें देख रही हैं, 20 लाख कान सुन रहे हैं, मारा जाना तो दूर की बात है, 10 लाख में से बुला किसी को तुझे छुड़ा के ले जाए। पगियों से बाबर, 10 लाख में से बुला किसी को तुझे छुड़ा के ले जाए। ये कह के गर्दन पे पांव का जोर दिया, जोर दे के फरमाते या आईया तो हल बकला तो खबीसा तो ना पिता तो अलत दीमा नाम उतारे फूना अनल लदी वजर हुसैन बादल हसन अमिसली यूसुफ बिल फसल व युखफ़ बिल मौत व युहद्दद बिल कत्ल। फरमाते चल रहा है ये सारा निज़ाम दहर मेरे मौला की अंगुश्त के फेर से, मैं वजीर हुसैन और मुशीर हसन, इस हकीकत को समझोगे तुम देर से। ओए मुझे धमकी ना गुनाहों की हद ना पदर की सनद, मैं क्या पढ़ना, देखो नहीं समझेगा मैं क्या करना, जीवें बचड़ा जीवें बचड़ा। ना गुनाहों की हद ना पदर की सनद, फिर उलझते हो तत्हीर के शेर से, शहरे इसिया के अबतर मकीनो सुनो तुम तो मिले गंदगी के किसी ढेर। जितना मान ये लिए दिया धियां को उतना मारे नेगा। माफी मेरा पंज ढेरे, मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं थी मैं ढेर सारा पढ़ गया, घड़ी है कोई ना नाराजी ना थी भाई, पढ़ समय हूं 8-10 मिनट बिया। ये तेरी मेरी वादा हो गया मुख्तार भी, जितनी हंजू 45 मिनट जाती उतनिया 10 मिनट जा। अलम पाक की बरामदगी भाई पढ़ते तो पूरे मुल्क हैं, कच्छी में को अंदरों मार छटा। मैं अलम पाक की बरामदी है पीरा दे खाली जाम दे मजलिस तो मुक होनी चाहिए ही जुमले। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर धियां दे काजों नहीं होना थे। ओ मैं सदके कच्ची आज 9 मुहर्रम में तू इंतजार च है भाई कोई पढ़े शाबाश शाबाश ठेकड़ी दा मेहमानी चन बतूलदा जाफर शाह सलाम ही सलाम ही। ओए होए 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 ए जन्नत दे बंदे आ बैठे यार। अल्लाह अल्लाह अकबर। अगले साल जेड़ा हो सी वो रोसी सदके मन्या सदके मन्या। मैं नौकर हाँ 40 साल की मेरी सर्विस है, मैं जामिया जाफरिया गुजरांवाले तो पढ़ना शुरू किया, मैं 3 साल कौम दी मलका दे रोजे ते यूनिवर्सिटी गुजारे, जितनी मेरी औकात है मैं उतनी किताबें कट्ठी की इंतजार लियाकत। मैं 40 साल के मुताले तो बाद अदा इसाक फैसला नहीं कर सकिया। नजर पीर नौनिया च पहली बारी पींदा पिया सवाली बन के, ये कोई हाय न करे देखो वास्ता गाजी दा एक बारी हाथ मारी सीने ते। हाँ इन्हों की अपनी मर्जी है, मैं 40 साल पढ़ के नजाकत फैसला नहीं कर सका। कूफे ते शाम दिया वैशी शराबियाँ अली दी धी दे बुरके को जीन ते ढेर मारे या जमीन। तेरी मर्जी, मैं 5-7 मिनट भी आ पढ़ने थके हाँ जे मुक गई है तेरी आलिया दे मान मुक गए तू अजे थका बैठी। मैं ऊंची शहादत पे पढ़दा जेदे बाद अली दी धी आखे मैं आज यतीम थी हाँ
जिंदे बाद आलिया फरमाया आज मेरे पेके मान मुक गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो चलो ठीक है, चलो ठीक है। बुजुर्ग मैं इसमें गलां भी ना जानता, हुसैन की कसम में मैं ना ना जानता। मेरे को आखे ने नौ लख आई गाजी की वजह से, अगे मैं ना सर चाहिए तो थोड़ा पढ़ू हम हूँ। बुजुर्ग फरमाया था मुख्तार पीर मैंने तो जुमले से ही पढ़सा, अगे मैं ही तू ही थोड़ा पढ़ू हम हूँ। इन्हें फरमाए तो मैंने जुमले से ही पढ़सा। एक बुजुर्ग जाकिर गुजरन लाहौर तू, पता नहीं उन्हें बड़ा शार पढ़े लइए पढ़े नहीं पढ़िया, किबला मलिक अली जाफर अलवी चूनी आले शायद पढ़िया हो गया उन्हें। कमाली एक मजलिस पे पढ़ दिया पिछु पीर मुजम्मिल शाह जी, बाबा रियाज हुसैन शरत तोवाल, मैं अलामा मोहम्मद अब्बास कुमी, किबला शेख हुसैन बी ए, पांच छह जाकिर बैठिया से सादा जुमला उन्हें क्या लोगों एक बे को गल वकड़ी चबाती, लोगों मातम शुरू कर दिता। ए हालात थी गए निदाकत बस जाकिर एक बे को आखो उठी हूँ तू पढ़ बड़े आराम नाल। उन्हें फरमाया खैमे खबर आई बगैर बाजुआ दे अब्बास लै या सैयदा या सैयदा या जी जी जी। अपनी मर्जी आई तो तू नौनी मातम की देना, आज मेरा हुक्म है जरा मैं जुमला हुणा दा पिया मुंह प्यारा ना करी सादिक, आज चेहरे ते मातम करी दे ते कुछ समझ आ वने। उन्हें फरमाया बगैर बाजुआ दे अब्बास लह गए। पिछू बैठे किबला काबा बाबर यास हैं शरत तोवाल, रियाशा फरमाया मलिक अली जाफर नाराज ना होवी, बाजों तो बगैर बंदा लहदा नहीं ढांदा है। हाय पता नहीं वो बंदा क्यों लगाए जाए हाथ नहीं मारिया, जेड़ा आलिया दे परदे को नहीं रो सकता वो किया सी आए। जय माशकी दी मातम लिखीता ऐ मासूमा रुल गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर कहूं खैमे खबर आई बगैर बाजुआ दे अब्बास लह गए। मलिक साहब फरमाया अली दी थी मुसल्ले ते बैठी आई तड़प के उठी, उठी मुसल्ले ते ते चादर झण पई जमीन ते। सही दाऊं सही दाऊं मैं को गाजी दी इज्जत का समय कम अज कम 26 साल खलीक शास्तावी साल ठीक है नहीं जुमले को मेरी अखी च मंजर है लोग दीवारें चुठी के सिर मारे मेज से सिर मारे सारे लोगों को गाल समझ आ वे। उन्हें फरमाया आलिया दी चादर झण पई, हबश दी मलका चादर चाती चा के आलिया दे सिर ते करन लगी। अली दीदी फरमाया मारान दे हुण लह गई है, जदा मेरा गाजी लह गए वह तो चादर कहीं रह गई। मातम 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 जिन्हें कुआ दे हाथ मारो, जुमला में आखिरी पढ़ने जिन्हें कुआ दे दा मातम दाओ हाथ मारो। अल्लाह अकबर, क्या हालत है डॉक्टर साहब, मुमताज कलानर में मातम जेड़े जवान को नहीं आता मातम सिर तले करे, जे कुआ दे गाजी दा मातम है मता गाजी दी मां महसूस करे। सारे एक बारी सारी कच्छी हाय करो, सारे एक बार आखो हाय अब्बास, सारी कच्छी रल के दुए हाथ जाके गरीबां आखो हाय अब्बास, हाय बुरके दा दामेन, हाय लुटी दा फिरा, हाय मासूमा दा माशकी। क्या हाल है बाग अली खान दा, बाबा रोवे 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 ये पिनण दा टाइम है, ए जी 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 ए पिनण दा टाइम है। खत्म सख्त पढ़ने नहीं, रो ना रो तेरी मर्जी मैं सख्त पढ़ने नहीं, मैं एक इशारा करने ते को समझ आवे तो रोवे ना समझ आई मुकद्दर तेरा अपना।
10 लख रल के मारना शुरू किए अब्बा। चलो 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 सज्जा बाजू कलम थेस आके सा कबर दा सदका, खब्बा बाजू कलम थेस आके सस कर दा सदका। मश्क डंडा नाल मजबूती नाल पकड़िए पास, कोशिश वदा करें दे बाण वदा मरें दे, कई तरह पानी खेमे लगा वने कुत्ते अपने साथ ऐलान किते जे पानी खेमे लगा गया असा जंग हर वे सुन, कोशिश करो पानी ना वने। अबू खालिद कहली हरामी दूरों खड़ो के अब्बास को तीर मारे, इन निशाना तक इधे मशकदा अब्बास वेले मशक बचावन वास्ते झुकदा पे आई, तीर अब्बास दी आंखें जवान लगे। ओ बंदा लगदा ही कुछ नहीं गाजी दादा हुण मातम नहीं कीता, ओ बंदा जड़ा बैर दर ते खड़े ते हुण मातम नहीं कीता, जड़े बैर खड़े हो तो कुनी आंदा दा मातम दा लगे वंजो आंदे तो मातम करो हर बंदा हाथ मारे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ते को नहीं पता आज जो थारी है मैं को रोज युवादन तू सख्त बढ़ दी तू सख्त बढ़ दी तू सख्त बढ़ दी आज तीर हेक नहीं लगा पढ़ा। हाँ भाई मुख्तार शाह सैयद ने नहीं इजाजत पढ़ा। सरकार सलामत अली तबीर मरसिया लिखे उन्हें मरसिया फरमाए किस मुंह से कोई आह ये तकरीर निकाले, एक आंख से शब्बीर ने दस तीर निकाले। ਸਿਆਂ ਦਾ ਦਾਮੇਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਭੇਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਮਰ ਤਰੁੱਟ ਗਈ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਮੁੱਕ ਗਏ। तीर फस गए हुसैन दी आखे च जवार लिया का तो लमा तू कसम जवामी आम जाकर तू ना पूछी लामा साहब तू पूछी लमा तू कसम जवामी। अब्बास तीर कढ़न वास्ते ना सोचे मैं गोडे च फसा के तीर कढ़े ना, अब्बास सिर जिका की थे डंडा नाल तीर कढ़न वास्ते ते गाजी दा मामा जमीन ते आए, इनू गाजी दा मामा जमीन ते आए। शाला शिया ना होवे जेड़ा हुण है ना करे उनू हकीम इब्ने तुफैल मणा वजन दा गुर्ज अब्बास दी सिर ते मारे। या सैयदा मौकई जाए आलम बरामद करने तैयारी करो, उठी खड़ा थी जाए आलम बरामद करने तैयारी करो, डेढ़ मिनट में भी अपने। अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर। ई तू ते क्या पढ़ा नहीं मरवे से गर्मी है दिल का मरीज है, क्या हालत है मेरे पुत्र जी। बचड़ा मैं पढ़ ली सही ठीक। एक बारी वाल पे आदा मैं पुत्र को रो गिनो ए आदे पढ़ सैयद आए बैठे हैं हक वास्ता दे के कह रहे हैं जिस तरह उतरे मौला गाजी उतरो आदे सैयद आए बैठे हैं ते को बीबी दे हक दा वास्ता जीवे अब्बास लच्छे हुए दस मैं को गाजी दी कसम है छी जा तू हुसैन भिरा चुने। एक बाजू की थाई आई बिया बाजू की थाई आई जैसम दी कई अंगली की थाई आई कई एंगल की थाई आई झुक झुक के चुनदा वदाई ते आधा वदाई अलान इन कसरत जहरी ओ मेरी कमर त्रट गई ओ माए मुक गया ओ मैं को दिसनी कोई शह नहीं। ना अब मैं नहीं रुकूंगा, अब तू मरता है तो मर जा, अब जो मरता है मर जा, ना मैं हूं पढ़ सही ना मुख्तार सा हूं मैं
ਇੱਕ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਬਿਆ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੰਡਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਈ ਅੱਬਾਸ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਤਾ ਵੰਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਥੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਤੁਰੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਜੇ ਅਲੀ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਘਿਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਈ ਮਾਸ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਮਾਰਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਪੜ ਕਿਹਦੇ ਮਾਰਾਂ ਨਾ ਲੱਖ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ ਕਹਿਣਾ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਨੇਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਖੰਜਰ ਵਾਲੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀਉੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਮਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਵਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਸੈਨ ਹੱਥ ਲੈਂਦਾ ਗੇ ਅੱਬਾਸ ਵੰਡੀਂਦਾ ਗੇ ਹੁਸੈਨ ਹੱਥ ਲੈਂਦਾ ਗੇ ਅੱਬਾਸ ਵੰਡੀਂਦਾ ਗੇ ਹੁਸੈਨ ਘਿਨਾ ਜਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਤਾ ਮਾਸੂਮਾ ਦੀ ਤਰੇ ਬੁੱਝਦੀ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਹੱਥ ਲੈਂਦਾ ਗੇ ਅੱਬਾਸ ਵੰਡੀਂਦਾ ਗੇ ਹੁਸੈਨ ਹੱਥ ਲੈਂਦਾ ਗੇ ਘਿਨਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਘਿਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਘਿਨਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਮ ਨੇੜੇ ਘਿਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਮ ਨੇੜੇ ਘਿਨਾ ਰਹਿ ਰਿਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿ ਰਿਹੋ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਾਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਖਾਲੀ ਮਸ਼ਕ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਮਸ਼ਕ ਚਾਹ ਕੇ ਭੇਡ ਦੇ ਖੈਮੇ ਆ ਖੜੋ ਤੇ ਆ ਕਿਸ ਮਾਸੂਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ।